Hello everyone, welcome to my channel. आज हम बनाएंगे धारवाड़ पेड़ा। इसके लिए हमें चाहिए 1 लीटर फुल फैट मिल्क। दूध को हमें अच्छी तरह से गर्म करना है और उसके बाद जब इसमें एक उबाल आ जाए फिर गैस बंद कर देना है। अब इस दूध में थोड़ा थोड़ा करके हमें नींबू का रस डालना है और उसको मिक्स करना है। इतने दूध के लिए 4 टेबलस्पून नींबू का रस यूज़ किया है मैंने। जब हम नींबू का रस दूध में डालेंगे तो ये धीरे धीरे फटना शुरू हो जाएगा और आप थोड़ी देर में देखेंगे कि दूध के ऊपर ग्रीन ग्रीन सा पानी दिखाई देने लगेगा और मिल्क सॉलिड अलग हो जाएंगे। अब हम एक बड़े बर्तन के ऊपर स्ट्रेनर रखेंगे और ये जो दूध है इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। इसका जो वे है हमें अलग निकाल लेना है और जो मिल्क सॉलिड है वो स्ट्रेनर के ऊपर रह जाएगा। ये छेने का पानी बहुत पौष्टिक होता है, इसको आप आटा बनाने में यूज़ कर सकते हैं या फिर करी में भी डाल सकते हैं। अब इस छेने को हमें ठंडे पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेना है ताकि नींबू का फ्लेवर निकल जाए और इसको हम स्ट्रेनर पे ही 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब एक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून घी डाला है। घी को अच्छी तरह से गर्म करना है। उसके बाद ये जो छेना है हमने जो स्ट्रेनर पे रखा था उसको हमें इस घी में डालना है और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। हमें इस रेसिपी में डालने के लिए 2 कप दूध और 4 टेबलस्पून शुगर भी चाहिए। छेने को हमें घी में अच्छी तरह से पकाना है और हमें फ्लेम को स्लो ही रखना है वरना जो छेना है वो जल जाएगा। और इसको हमें बीच बीच में हिलाते रहना है ताकि जो छेना है वो पैन की तली से ना चिपके वरना जो पेड़ा है उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। जब छेना बिल्कुल ही ड्राई हो जाए फिर हम इसमें 1 टेबलस्पून चीनी डालेंगे। जब हम इसमें चीनी डालेंगे तो ये छेना फिर से गीला हो जाएगा। हमें इसको अभी और पकाना है। हमें इसको तब तक पकाना है जब तक कि छेने का मॉइस्चर फिर से ना सूख जाए। उसके बाद हम इसमें फिर से 1 टेबलस्पून शुगर डालेंगे और इसको हम फिर से भुनेंगे स्लो फ्लेम पे। हमें इस प्रोसेस को फिर से रिपीट करना है। जब छेने का पानी सूख जाए तो फिर से शुगर डालना है। हमें 4 टेबलस्पून शुगर ऐसे ही डालना है। जब छेना ड्राई हो जाए फिर उसमें शुगर डालना है, फिर ये मॉइस्चर रिलीज़ करेगा, फिर उसको भुनना है, उसके बाद फिर से इसमें शुगर डालना है। 4 टेबलस्पून शुगर हम इसी तरह से डालेंगे, फिर हम देखेंगे कि जो हमारा मिक्सचर है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है। फिर हम उसमें 1 कप दूध डाल देंगे और दूध को हम इस मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमें इसको अभी भी स्लो फ्लेम पे ही पकाना है। इसको हमें तब तक पकाना है जब तक कि इस मिक्सचर का सारा दूध अच्छी तरह से सूख ना जाए और ये मिक्सचर फिर से ड्राई ना हो जाए। तब तक हम इसको लगातार हिलाते हुए स्लो फ्लेम पे कुक करेंगे। जब सारा दूध सूख जाए तो फिर हम इसमें 1 कप दूध और डालेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये जो छेने का मिश्रण है इसने सारा दूध एब्जॉर्ब कर लिया है। उसके बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर डालेंगे और फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। इलायची का पाउडर डालकर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमें इसको तब तक पकाना है जब तक कि सारा दूध इसमें से सूख ना जाए और ये मिश्रण पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए। जब ये मिश्रण ड्राई हो जाए फिर हम गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और ये जो मिश्रण है इसको हम किसी और बर्तन में निकाल लेंगे और इसको पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। इसको हमें रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है और जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए फिर इसको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद फिर इसको अपने हाथ में जैसे हम लड्डू बनाते हैं वैसी शेप देंगे और उसके बाद फिर इसको अपनी हथेली पे रखकर चपटा करेंगे और फिर बीच में एक छोटा सा डेंट बनाएंगे। जैसा मैंने वीडियो में दिखाया है आप वैसे फॉलो कर सकते हैं।
इसी तरह हम सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे और उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता डालकर उसको गार्निश करेंगे। धारवाड़ पेड़ा अब सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।